हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ सूजी स्नैक्स रेसिपी। तो पहले मैंने शेयर किया था आपके साथ ही शॉर्ट वीडियो पे, तो अब जो है मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो अब जो है मैंने इसमें सूजी का यूज़ किया है, तो मैंने सूजी ले ली है यहाँ पर, 1 कप से थोड़ा कम मैंने यहाँ पर सूजी लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा नमक, और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डेली यूज़ खाने वाले जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने डाला है। मिक्स कर रही हूँ अच्छे से यहाँ पर इनको, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और फिर से इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और पानी डालते हुए इसका अच्छा एक सॉफ्ट डो जो है मैं यहाँ पर तैयार कर लूँगी, और फिर थोड़ी देर के लिए जो है मैं इसको रेस्ट होने के लिए जो है रख दूँगी। तो डो जो है हमारा रेस्ट हो चुका है। अब मैं इसको वापस से चेक कर रही हूँ तो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था। दोबारा से इसको मसल कर तैयार कर लेंगे। और अब जो है मैंने इसको पूरी तरह से मसल लिया है, और अब मैं इसको बनाने वाली हूँ सूजी स्नैक्स। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आलू का। तो ये आलू की सब्ज़ी जो है मैंने रात को बनाई थी वही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम लिया है, ब्रेड को मैंने यहाँ पर सेक लिया था तवे के ऊपर उसे अच्छे से। और तवे पे सेकने के बाद जो है मैंने इसको ठंडा करके जो है इसको ग्लास की हेल्प लेकर जो है क्रश कर लिया था। इसका ब्रेड क्रम बना लिया था मैंने। और यहाँ पर जो है मैंने सूजी जो हमारा डो तैयार हो चुका था उसकी छोटी लोइयाँ तो तोड़ कर जो है तैयार कर ली है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आलू की सब्ज़ी का जो मैंने रात को बनाई थी, और उसके अंदर कुछ भी कमी नहीं थी सब्ज़ी के अंदर, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। तो मैंने यहाँ पर बस थोड़ी जो है इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ओरिगैनो, और थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है, और कुछ भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। और नमक वगैरह सब कुछ इसमें परफेक्ट था, और मिर्ची वगैरह सब कुछ वो थोड़ा स्पाइसी हो जाए उसके लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया था चिली फ्लेक्स थोड़ा सा। तो सूजी का डो जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी, और उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पर छोटी पूड़ियाँ तैयार कर रही हूँ बनाकर, और उसी के अंदर जो है हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है वो भर के बनाने वाले हैं स्नैक्स, और बहुत ही क्विक बन जाता है। जिसे दे सकते हैं उसके बाद जो है मैंने इसको डिप कर लिया था दूध के अंदर, उसके बाद जो है मैंने इसको ब्रेड क्रम से कवर कर दिया था। तो एक के बाद एक सारे स्नैक्स जो है मैंने ऐसे ही रेडी कर लिए थे, ब्रेड क्रम से जो है कोट कर लिया था। और आधे स्नैक्स मैंने प्लेन बनाए थे क्योंकि मुझे ब्रेड क्रम के बिना भी बनाकर देखना था उनका कैसा टेस्ट आएगा, तो मैंने आधे प्लेन बनाए थे और आधे जो है ब्रेड क्रम वाले बनाए थे। तो सारे स्नैक्स ऐसे बनकर तैयार हो चुके थे, अभी रेडी हो चुके हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ तो सारे स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं फ्राई करने के लिए। एक पैन रख रही हूँ मैं यहाँ पर गैस के ऊपर। अब डाल दूँगी इसके अंदर मैं ऑयल, और ऑयल का मैं यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इनको डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, मैंने शैलो फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है। तो एक के बाद एक जो है जितने भी स्नैक्स में कम्फर्टेबल होकर आ जाएंगे वो जो है मैं इसमें रख रही हूँ। तो 5 से 6 स्नैक्स जो है मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं एक के बाद एक, और उसके बाद जो है मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी ताकि ये नीचे से अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए, ऐसा कलर आ जाए इनके अंदर। उसके बाद जो है इनको हम वापस से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही क्रिस्पी होने तक जो है इनको फ्राई करेंगे। तो एक बार जो है मैं इसको पैन को उठा के जो है चारों तरफ से तेल को घुमा रही हूँ ऐसे ताकि ऑयल जो है चारों तरफ अच्छे से पहुँच जाए और सारी जो है हमारे स्नैक्स के ऊपर अच्छे से क्रिस्पीपन आ जाए चारों तरफ से और कहीं से भी रह ना जाए वो। तो मैंने एक बार उसको ऐसे घुमा दिया था ऑयल को, और उसके बाद जो है स्नैक्स जो है 2 से 3 मिनट बाद में इनको पलट कर देख रही हूँ अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इनके अंदर। तो सारे ही स्नैक्स को हमने ऐसे पलट कर वापस से दूसरी साइड से भी कुरकुरा होने तक सेक लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक के बाद एक पलट रही हूँ, और ऑयल का मैंने यहाँ पर देख ही सकते हैं आप कितना कम यूज़ किया था। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम के लगभग जो है ऑयल यूज़ किया था, और उसमें ही जो है ये फर्स्ट बैच हमारा हो रहा है, और बिल्कुल भी तेल जो है इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था क्योंकि हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। डीप फ्राई में फिर भी ज़्यादा तेल जो है आ जाता है स्नैक्स के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है शैलो फ्राई किया इनको। दूसरी साइड से भी ऐसे पलटते हुए सेक लूँगी इनको, और उसके बाद जो है फर्स्ट बैच के बाद सेकेंड बैच का भी हम ऐसे ही सेक कर तैयार करेंगे। पलटने के बाद जो है मैं इसको वापस से एक बार उठा के पैन को फिर से घुमा दूंगी। तो स्नैक्स को पलट चुकी हूँ मैं, और दोबारा से एक बार पैन को उठा के जो है तेल को चारों तरफ से घुमा दिया है, और दूसरी साइड से भी ये पककर अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अच्छा कलर इनका दिखाई दे रहा है गोल्डन ब्राउन। तो अभी निकाल लेती हूँ मैं इनको प्लेट के अंदर। तो कुछ इस टाइप के इनका जो है कलर आया था, और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल अगर इसमें आया था तो वो जो है पेपर के ऊपर आ चुका था टिश्यू के ऊपर। और अभी सेकंड बैच जो है मैंने प्लेन वाला बनाया था वो मैं यहाँ पर सेक कर तैयार कर रही हूँ, उसको भी फर्स्ट बैच की तरह ही मैंने फ्राई किया था, और ये भी यहाँ पर जो है
अच्छे से पककर हो चुके हैं तैयार, बिल्कुल सिक चुके हैं और अच्छा कलर भी आ चुका है इनमें गोल्डन ब्राउन, तो मैं निकाल रही हूँ इनको यहाँ पर। और ऑयल आप देख ही सकते हैं कितना मतलब हमारा यूज़ हुआ है पैन के अंदर। तो दोनों बैच को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है अच्छे से, ये फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो स्नैक्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, निकाल लिया है मैंने इनको प्लेट के अंदर, और आप इन्हें किसी भी सॉस चटनी के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं, और जो प्लेन वाले स्नैक्स का बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, क्रिस्पी एकदम, जैसे हम समोसा बनाते हैं वही आया था। उनकी वॉइस देखो एक बार सुनकर, और बहुत ही क्रिस्पी बनकर जो ये तैयार हुए थे। तो आपको कैसा लगा कुकिंग वीडियो, ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है और मेरी कुकिंग रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है। मिलती हूँ एक अच्छी कुकिंग के साथ और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।